कुमार सानू और अलका याग्निक ने मिलकर हिंदी फिल्मों में कई हिट गाने दिए हैं, लेकिन आज की सॉन्ग रिकॉर्डिंग कुछ अलग है। फर्क इतना है कि इस बार कुमार सानू सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं बल्कि फिल्म दूराहा का संगीत भी दे रहे हैं। शुरू से ही मेरा एक टेंडेंसी था म्यूजिक में जाने के लिए, तो इस समय मुझे मेरा कुछ दोस्त लोगों ने मिलके मुझे धकेल दिया, बताया भाई यू हैव टू डू दिस फिल्म, एंड इस तरह से मैं शुरू कर दिया। कुमार सानू का मानना है कि आजकल हिंदी फिल्मों में डिजिटल म्यूजिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो अपने संगीत के माध्यम से फिर से एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज प्रोग्रामिंग का जमाना है और प्रोग्रामिंग के जरिए म्यूजिक तो अच्छा बन ही जाता है, लेकिन एक चीज मिसिंग होता है, दैट इज सारे आप देख लेना कि म्यूजिक ज्यादातर करके लगता है कि वीडियो फिल्म के गाने चल रहे हैं। पर्दे के लिए जो चाहिए होता है, जो 70 mm का पर्दे के लिए जो एक साउंड चाहिए होता है, वो साउंड क्वालिटी आई थिंक एकोस्टिक से बेहतर कोई नहीं दे सकता, जितना भी टेक्नोलॉजी आगे चले जाए, जितना भी कुछ हो जाए। अच्छा है कि उन्होंने यूज किया इसमें, बिकॉज थोड़ा अलग एक फील मिली है जब बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, क्योंकि आजकल उस तरह की रिकॉर्डिंग होती नहीं है। और नीडलेस टू से कि इस गाने का जो के जो अरेंजमेंट्स हैं, म्यूजिक अरेंजमेंट, वो सब प्यारेलाल जी ने किए हैं, वो सोने पे सुहागा है। ट्यून तो बहुत अच्छी है ही, मगर जो जिस तरह से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन किया है गाने का, तो गाना बहुत ही उसमें चार चांद लग गए। गायकी की दुनिया में कुमार सानू ने काफी शोहरत हासिल की है और अब म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उनका काम फिल्म वसुंधरा और दुराहा में नजर आएगा। उम्मीद है अब म्यूजिक डायरेक्शन में भी वो वही मकाम हासिल कर पाएंगे।